छोटी छोटी कहानियां सिखाती बड़ी बड़ी बातें। आज की कहानी एक पति और पत्नी की है। पति महोदय रविवार को गए बुक एग्जीबिशन देखने। शौकीन थे पढ़ने के, एक किताब दिखी, 100 साल जीवित रहने के उपाय। उनको किताब पसंद आ गई, खरीदी, घर लेकर के आ गए, टेबल पर रख दी। सोचा फुर्सत से पढ़ूंगा। हफ्ते भर किताब टेबल पर पड़ी रही। शनिवार की शाम ऑफिस से लौटे तो उनको लगा कि रविवार को किताब में पढ़ूंगा, लेकिन टेबल पर किताब नहीं थी। उन्होंने पत्नी को आवाज लगाई और पत्नी से पूछा, अरे टेबल पर जो नई किताब मैंने खरीद के रखी थी कहाँ गई? पत्नी ने पूछा, कौन सी किताब? पति ने कहा, वही जो मैं लास्ट वीक लाया था, 100 साल जीवित रहने के उपाय। पत्नी ने कहा, वो किताब मैंने जला दी। पति को बहुत गुस्सा आया। पति गुस्से से चिल्लाए, अरे वो किताब तुमने क्यों जला दी? पत्नी धीरे से बोली, तुम्हें पता होना चाहिए, कल तुम्हारी माताजी अपने घर आ रही हैं और वो किताब उनके हाथ लग गई तो। कहानी सिखाती है बड़ी चीज। हमारे पास अवसर होते हैं जीवन में कुछ करने के, जीवन में कुछ हासिल करने के, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमसे अवसर छीनने के लिए प्रयत्न करेंगे। प्रयत्न क्यों? हमसे अवसर छीन लेंगे। हमें सावधान होने की जरूरत है। 365 कहानियों के इस दौर में अगली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू।